भी लाइक गाने बनते रहते हैं, हमें एक ऐसा एंथम बनाना था जो कि सालों साल लोग याद करें, क्योंकि शोले में आ चुका है वो गाना और उसके बाद बहुत सारे गाने बने दोस्तों के ऊपर, पर कुछ अलग करना था हमें, थोड़ा क्वर्की भी करना था, दोस्तों के मज़े भी लेने थे और दिखाना भी था कि भाई कितना अहम है दोस्ती, एक ऐसी चीज़ है, फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद चुनते हैं, वो ऊपर वाला नहीं देता, तो हमने अगर खुद बनाया है तो कितने खास है और हमारे हर ज़रूरतों के समय वो मदद के लिए तैयार रहते हैं। और उसके बाद पूरी टीम बनी हुई मेरे को 307 और भाई लोग, मतलब कि मेरे को नहीं लगा ये 307, खैर वो तो भाई का नाम है, बट उसमें 5 लोग थे, मैं छठा आया और 6 लोगों की एक कहते हैं लिमोजीन बन के तैयार हुई और उसका नतीजा आप सबों के सामने है और रिजल्ट है और गाना सबको बहुत पसंद आ रहा है और आप लोगों की दुआ है और ऐसे ही चलता रहे, आप लोग प्यार बनाए रखें। तो टीम 307 की जो दोस्ती है वो तो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वीडियो में जिस तरह से दोस्ती दिख रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं लोग, क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी दोस्ती को लेकर आप लोग? अभी तो बहुत पुरानी है और पूरे ट्रांसपेरेंट है, हम लोग पूरी तरीके से लोग जानते हैं हम लोग को, इसलिए बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और हमारे बहुत सारे फैन पेजेस हैं जो हमारे के नाम से है और हम लोग ज़्यादा करके सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा अपडेट है कि मतलब हमारी जो पूरी दोस्ती है वो हम लोग भी अपने में कुछ छुपा के नहीं रखते, वो पूरी सोशल मीडिया पे अपडेट करते ही रहते हैं और जो कि लोगों का जो इतना प्यार बरकरार है, मतलब 2 साल पहले हम लोगों ने एक गाना किया था, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू आया उस व्यू और बहुत पसंद आया लोगों को, इतने वक्त बाद भी हम लोग ने मतलब ये सॉन्ग किए, तो जो वो टाइम पे वाइब थी हम लोगों की जब हम लोग म्यूज़िक वीडियो कर रहे थे वो टाइम पे, हालांकि वो टाइम ऐसा था कि मतलब बड़ा बजट नहीं था और हम लोग का मतलब इतना हिसाब किताब नहीं था कि कोई अच्छा सा एक बजट सेट करके एक अच्छा वीडियो शूट कर सके, मगर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह गाना भी बहुत अच्छा है, ग्रैंड है और खुद का गाना है हमारा और प्लस इतना अच्छा म्यूज़िक वीडियो उस पर शूट हुआ है, तो मतलब और आप देख सकते हो उसमें कि बहुत सारे हम लोग ने ऐसे ऐसे कॉन्टेंट डाले हैं उसमें जो बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि मतलब अक्सर दोस्ती में ऐसा हो ही जाता है, तो वो सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और उसके बहुत अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं और मतलब कॉमेंट देख के तो मज़ा आ रही है, बस ऐसे ही लोगों का प्यार बढ़ रहा है। इतना अच्छा एनवायरनमेंट था कि हम लोगों को सच में पता ही नहीं चला कि हम लोगों का शूट कब हो गया है 2 दिन में और हंसी मजाक करते हुए खेलते खेलते इतना अच्छा शूट हुआ हम लोगों का कि मतलब क्या ही बताओ। शूट करते हुए कुछ प्रैंक किया है दूसरे के साथ? प्रैंक तो नहीं किया पर जो शूट करता है अभी हंसी खेलते शूट तो हो गया पर जो सेट पे डायरेक्टर रहते हैं आप लोग ये क्वेश्चन अगर उनसे करते तो समझ में आ जाता क्योंकि यहाँ पे तो फैसल ने बोल दिया है, पर टीम 307 जब 5 जन एक साथ रहते तो सबको एक साथ गैदर करना फिर एक साथ कोऑर्डिनेट कराना ये बहुत सबसे बड़ा टास्क है, तो अच्छे अच्छे डायरेक्टर परेशान हो जाते जब 5 जन एक साथ रहते तो हैंडल करना बहुत बड़ा, पर 2 दिन था, 2 दिन में हम लोग ने हंसते खेलते कर दिया, इसलिए उसी के बीच में हम लोग अपने फोटोज वीडियोज भी बनाए, रील्स वगैरह शूट किए, फोटोज भी क्लिक किए और साथ ही साथ म्यूजिक वीडियो भी कम्प्लीट कर। बुरी बात तो मैं नहीं बताऊंगा, अच्छी बात ये है कि हम लोग बहुत टाइम से साथ में हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे साथ में। बुरी बात तो ये है कि टाइम पे कोई नहीं होता है, सब आगे पीछे होते हैं, ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है कि मतलब मैं हमेशा टाइम पे रहता हूँ। हाँ ना टाइम पे है और कभी कभी फेस भी हो जाता है, असलैन से शायद थोड़ा कम एक्सपेक्ट करते हो और सद्दू 07 भी है, तो मतलब ऐसे ही है हम लोग थोड़ा आगे पीछे करके आते रहते हैं, तो ये बुरी बात है हमारी और अच्छी बात ये है कि हम लोगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ कि हम लोगों के अंदर मतलब एक बहुत अच्छी यूनिटी है जो हम लोग के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि हम लोग तकरीबन 5-6 साल 7 साल से जानते आ रहे हैं, तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई या नोकझोंक नहीं हुई जो हमें बाहर लोगों को बताना पड़े या हम अपनी तरफ से कुछ आउट करें या फिर इसने मुझे कुछ बोला या उसने कुछ मुझे बोला, ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों में, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, बस ये लोगों का प्यार है जो हम पे बरकरार है, बस आप लोग ऐसे प्यार करते रहो, हम लोग एक यूनिटी होकर और अच्छी ढेर सारी चीज़ें हासिल करेंगे। तो रेनू डिसूजा सर के बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से?